हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरडी टॉकिंग में एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईडीडी के बारे में, ठीक है। ईडीडी क्या होती है और ईडीडी जो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है कैंडिडेट को मन में ये डाउट होता है कि जब देखेंगे सोनोग्राफी तो उसका डेट कुछ और रहता है, और जब उसके डेट से निकालते हैं एलएमपी के डेट से निकालते हैं तो ईडीडी कुछ और आता है। तो इसमें कैसे क्लियर करें कि कौन सा डेट सही है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए ईडीडी क्या है। तो ईडीडी आपका क्या होता है, जो कि डिलीवरी का डेट जो कि आप एलएमपी से निकालते हैं, यानी एक्सपेक्टेड डेट जो होता है कि बेबी जो आउट होगा इतने तारीख को होने की संभावना है, ठीक है। ये आपका ईडीडी होता है, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। और एलएमपी क्या होता है, लास्ट मेंसुरल पीरियड, यानी जो गर्भवती माँ है उसका जो लास्ट महीना जो हुआ था वो कब हुई थी, ठीक है, वो आपका लास्ट जो है मेंसुरल पीरियड कहलाता है। यानी कि अंतिम बार प्रेग्नेंट होने के पहले वो जो अंतिम बार उसका महीना आया था वही आपका लास्ट मेंसुरल पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझिए ईडीडी कैसे निकाला जाता, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर का डेट और आपका जो सोनोग्राफी डेट है वो डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए पहले आप ईडीडी निकालना सीख लीजिए। तो ईडीडी देखिए, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, मैंने डेट जो लिया है वह है आपका 5 अप्रैल 2023 का एलएमपी का, ठीक है। कोई गर्भवती माँ आई है, ठीक है, उसका जो एलएमपी है यानी कि लास्ट मेंसुरल पीरियड जो है वह उसका है 5 अप्रैल का, ठीक है। तो इसका ईडीडी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका ईडीडी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो 5 अप्रैल है, सबसे पहले 5 अप्रैल में इसको 7 डे जो है जोड़ देना है, ठीक है। कितना आया, 12 आया, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12। तो अब कैसे काउंट करेंगे, महीना कौन सा होगा, तो क्या होगा 5 मई को 1 महीना होगा, मई के बाद क्या होता है जून, ठीक है, फिर जुलाई, फिर अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद आपका जनवरी। अब काउंट कीजिए 9th मंथ पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका जनवरी में क्या हो रहा है, 9 महीना पूरा। यानी कि किस महीना से काउंट शुरू करेंगे, तो 1 महीना, यानी अप्रैल इसका है तो मई में हुआ इसका 1 महीना, ठीक है। यानी 1 महीना छोड़ के अगले महीना से काउंट करना है, ठीक है। तो कितना हुआ, जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को इसका जो है ईडीडी है इस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, इसका आपने ईडीडी देख लिया कब होगा, तो देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ 12 जनवरी 2024 को आएगा। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर जो डेट देते हैं कुछ अलग होता है, और जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं यानी सोनोग्राफी कराते हैं उसका डेट अलग होता है। तो देखिए ये किस कंडीशन में होता, बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती है जिसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, डेट का जो है मतलब कि कोई 5 डे पहले हो जाते हैं, कोई 5 डे जो है वो लेट होते हैं, ठीक है। जिस कंडीशन का उसका जो ओव्यूलेशन डे होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन डे जो होता है वो आगे पीछे होता है, यानी कि सबका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किसी का 28 दिन होता है तो किसी का 30, तो किसी का 35, 28 से 35 डेज का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सभी का अलग अलग होता है। जिनका की डेट मान लीजिए कि 30 डेज में ही होते हैं, जिसका कि एकदम एक्यूरेट, अगर इस मंथ में वो 5 को आए तो वो अगले मंथ भी 5 को आते, तो उस कंडीशन में उसका ओव्यूलेशन डे होता है वो फिक्स होता है, जो कि आपका ईडीडी जो डेट निकाला जाएगा उसी डेट पर आपका बच्चा डिलीवर होता है। लेकिन जिसका पीरियड साइकिल जो है वो अगर जो इरेगुलर है, यानी कि इस प्रकार से होते हैं, कभी 30 दिन में हो जाते हैं, कभी 35 दिन में, इस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो ओव्यूलेशन डे है वो आगे पीछे हो जाता है, जिस वजह से उसका ईडीडी जो निकाला जाता है वो जो है सही नहीं होता। उस कंडीशन में जो सोनोग्राफी रहता है, यानी सोनोग्राफी में जो आपका दिखाता है वो आपका सही डेट होता है, ठीक है। यानी कि अगर उस कंडीशन में अगर आपका पीरियड मान लीजिए कि सही रेगुलर पीरियड नहीं है, यानी आगे पीछे होता है, उस कंडीशन में आपको जो है सोनोग्राफी में जो दिखा रहा है वही आपका सही है, हमेशा ये सोनोग्राफी ही आपका सही होता है। और जो ईडीडी निकाला जाता है, ठीक है, ये आपका जिसका रेगुलर पीरियड है यानी एकदम डेट बाई डेट होते हैं उसका ये ईडीडी सही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आगे मैं अब आपको बताती हूँ डिमोन डेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डिमोन डेट जो होता है ये आपका किसे कहा जाता है, यानी कि ईडीडी, ठीक है, ईडीडी देख सकते हैं 20 डेज बिफोर, यानी ईडीडी के 20 दिन पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाता है
तो उसको कहा था डिमांडेड। यूनी मोलोजर को मैंने जैसे इसका निकाला था कि इसको 12 जनवरी को बेबी आउट होता, ठीक है। 12 जनवरी का इसका डेट था ईडीडी का। अगर 12 जनवरी के 20 दिन पहले हो जाता है, जैसा कि देखते मैंने लिया है 23 दिसंबर, यानी 23 दिसंबर को भी होता है, तो इसका विभिन्न के 20 दिन पहले अगर हो रहा तो भी ये नॉर्मल कंडीशन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और 20 दिन पहले हो गया तो इसको डिमांडेड कहा जाता है, यानी कि 20 दिन पहले तक बेबी हो सकती है। तो यही आपको जानकारी देनी थी। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, वो भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी।